हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे गाइड। आज हम लोग इस सेशन में सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट एज पर IS 4031 पार्ट 3 के हिसाब से कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये है लीचार्ट लेयर ऑपरेटर्स है, ये है ग्लास पिट है, ये टॉप और बॉटम मोल्ड में रखने के काम आएगी। ये लाइट वेट है जो ग्लास वेट के ऊपर टॉप में रखा जाएगा। ये वर्नियर कैलिपर है, ये दो टॉवल है, इससे सीमेंट को हमको मिक्स करना है। और ये सीमेंट सैंपल है, ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस को जीरो कर लेंगे और 100 ग्राम हम लोग सैंपल लेंगे। सौ ग्राम हो गया है, अब इसमें इसकी कंसिस्टेंसी का 0.78 times हमको वाटर मिलाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं, लाइट ऑयल। दोनों सीट में भी लगा लेंगे, ग्लास सीट में। आपको अगर पूरा टेस्ट समझना है तो अंत तक पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये है फॉर्मेट, देखिए एज पर IS 4031 पार्ट 3 के हिसाब से। इसमें स्टैंडर्ड सीमेंट पेस्ट की कंसिस्टेंसी 29% आई थी, जो हमने सीमेंट जिसका टेस्ट कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी। टेम्परेचर हमारा 25.3 है। अब इसमें हमको वाटर कितना लेना है, 0.78 × 29% स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी इंटू 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें वाटर मिला के होमोजीनियस पेस्ट बना लेंगे। अब इस मिक्स को मोल्ड में भर लेंगे। पहले नीचे ग्लास पेट रखना मत भूलिएगा, ग्लास सीट। दो ग्लास सीट है हमारे पास, एक हम नीचे रखेंगे, एक उसके ऊपर रखेंगे।
जो ग्लास सीट है उससे उसको कवर करेंगे। और इसके ऊपर ये वेट रख देंगे, स्मॉल वेट है, इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जिससे इसमें पानी ना घुस जाए। अब इस पूरी असेंबली को पानी में 27 डिग्री प्लस माइनस 2 डिग्री पे 24 घंटे के लिए रखेंगे। नीचे रखते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, हाथ से अंगूठे से दबा के ही रखिएगा। चौबीस घंटा हो गया है, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे। ये मेजरमेंट आया है 15.20 एमएम। अब इसको हम फॉर्मेट में भर लेंगे। ये आया है हमारी रीडिंग L1। अब उसके बाद उसको फिर से पानी में उसी टेम्परेचर में रखेंगे और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे जिससे कि वो 25 से 30 मिनट के अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाए। अब इधर आइए, सुनने दीजिए। टेम्परेचर वाले पानी पहुंच गया है। अब इस बॉइलिंग पॉइंट पे 3 घंटे तक रखेंगे। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर आए उसी समय आप जो है स्टॉपवॉच चालू कर दीजिएगा। हमने चालू कर दिया था, अब 3 घंटा देखिए हो गया है। अब 3 घंटा हो गया है तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। पहले स्विच ऑफ कर देते हैं, उसके बाद बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। लेकिन आप सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिएगा, निकालते समय ग्लव्स जरूर पहन लीजिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, यानी हाथ जल सकता है। अब इसका फिर से हम लोग इंडिकेटर पॉइंट का मेजरमेंट कर लेते हैं।
आया है 13.28। अब इसको हम नोट कर लेंगे। एक्सपेंशन कितना हो गया 15.2 माइनस 13.28 इक्वल टू 1.91। एक्सपेंशन इसका 10 mm से कम होना चाहिए था। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।